हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर सॉल्यूशंस। तो आज हम बात करेंगे आपके प्लम्बरिंग के टूल्स के बारे में हिंदी में और उनके कामों के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो के पास में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि एक प्लम्बर के लिए दो तरह के टूल्स की जरूरत पड़ती है जो नीचे निम्न हैं। पहला पावर टूल्स, दूसरा हैंड टूल्स। तो आइए दोनों के बारे में जानते हैं। प्लम्बिंग का कार्य करने के लिए कई तरह के टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हैंड टूल्स, पावर टूल्स। सबसे पहले हम पावर टूल्स के बारे में जानेंगे, आइए जानते हैं। पावर टूल्स से क्या मायने हैं ये तो जानते ही होंगे, यदि नहीं पता है तो यहां जान लीजिए। पावर टूल्स उन मशीनों को कहा जाता है जो बिजली से चलते हैं। पहला वॉल चेसर। इस चीज को वॉल चेसर कहा जाता है। इसमें एक साथ 3-4 व्हील लगाया जाता है। इस टूल का इस्तेमाल दीवार झिरी काटने के लिए किया जाता है। जहां पर पाइपलाइन अंडरग्राउंड होता है वह झिरी मारकर पाइप दीवार में के भीतर डाला जाता है। एंगल ग्राइंडर। इस चीज से तो आप भलीभांति परिचित होंगे, इसे एंगल ग्राइंडर कहा जाता है। यह बहुत ही उपयोगी टूल्स है। इस टूल्स के माध्यम से दीवार में झिरी या अन्य चीजों को काटा जाता है। रोटरी हैमर ड्रिल। इसको रोटरी हैमर ड्रिल मशीन कहा जाता है। यह मशीन सादे ड्रिल मशीन की अपेक्षा काफी मजबूत, टिकाऊ और उपयोगी है। इस टूल का इस्तेमाल दीवार में या जहां चाहे वहां पर होल करने के लिए किया जाता है। ड्रेन इंस्पेक्शन कैमरा। इस टूल्स का नाम ड्रेन इंस्पेक्शन कैमरा है। इसमें एक डिस्प्ले लगा होता है और साथ में एक बड़े केबल के साथ कैमरा होता है। इसे ब्लॉक हुए ड्रेन लाइन के भीतर डालकर ब्लॉकेज चेक किया जाता है। होल से किट। इसे होल से किट कहा जाता है। इस बॉक्स में कई साइज के कट्टर बीट होते हैं। इसका उपयोग दीवार, लकड़ी या वाटर टैंक में होल करने के लिए किया जाता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए रोटरी ड्रिल या एंगल ग्राइंडर की जरूरत पड़ती है। अभी तक तो आपने प्लम्बिंग के इस्तेमाल होने वाले पावर टूल्स के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लिया है। आइए अब हम हैंड टूल्स के बारे में भी जानते हैं, किस किस हैंड टूल्स का उपयोग एक प्लम्बर करता है, आइए जानते हैं। पाइप रिंच। इस टूल्स को पाइप रिंच बोला जाता है। इसका दाम महज 250-300 है। इसका इस्तेमाल पाइप को खोलने या टाइट करने के लिए किया जाता है। चैन पाइप रिंच। इसे चैन पाइप रिंच का कहा जाता है। यह भी पाइप रिंच की तरह होता है लेकिन इसमें एक तरफ चैन लगा होता है जैसे फोटो में है। इसका दाम भी लगभग 300 के आसपास है और इसका भी उपयोग पाइप खोलने के लिए किया जाता है, आइए और जानते हैं। रैपिड ग्रिप रिंच। इसको रैपिड ग्रिप रिंच बोला जाता है। इसका दाम लगभग 600 के आसपास है। इससे पाइप खोलने या टाइट करने अलावा नट बोल्ट को भी खोले जा सकते हैं। इसे साइज के हिसाब से कम ज्यादा किया जा सकता है। एंड पाइप रिंच। यह एंड पाइप रिंच है। इसका अभी उपयोग पाइप टाइट करने के लिए भी किया जाता है। इससे साइज के अनुसार कम ज्यादा किया जा सकता है। इसका रेट लगभग 400 से 500 के आसपास होता है। थ्रेड मेकिंग मशीन। इस टूल्स का नाम थ्रेड मेकिंग मशीन है। इसका रेट 1500-3000 तक होता है। इसमें आपको कई साइज के पाइप के लिए डाई मिल जाएंगे। इस टूल्स का इस्तेमाल करके पाइप में थ्रेड बनाया जाता है और चूड़ियां काटी जाती हैं, जो कि काफी आसान हो जाता है। हाइड्रो जेटिंग मशीन। इस टूल्स को हाइड्रो जेटिंग मशीन बोला जाता है। इसकी कीमत लगभग 400-600 के बीच है। यह नालों और सीवर लाइनों को साफ करने के लिए एक अत्यंत प्रभावी टूल्स है।
एडजस्टेबल रिंच, यह क्या है? यह तो आप जानते ही हैं, इसे आम भाषा में सप्लाई रिंच कहा जाता है। इसका इस्तेमाल नट बोल्ट खोलने या टाइट करने के लिए किया जाता है। मोल ग्रिप्स, इस टूल्स का नाम मोल ग्रिप्स है। इसकी कीमत 200 से नीचे ही है। किसी चीज को पकड़कर होल्ड किया जाता है, इससे मजबूती से पकड़ बन जाती है। इससे हैक से, इसके बारे में भी आपको पता होगा, इसे हैक्सा कहते हैं। इसकी कीमत 150 के भीतर। यह भी प्लम्बर के लिए बहुत उपयोगी है, पाइप काटने के लिए। पीवीसी पाइप कटर, इसका नाम पीवीसी पाइप कटर है। इसकी कीमत 350 तक है। इसकी सहायता से हम पीवीसी पाइप को बड़ी आसानी से काट सकते हैं। प्लम्बर्स टॉर्च, इसका नाम प्लम्बर्स टॉर्च है। इसकी कीमत 1000 के भीतर है। इसका इस्तेमाल यूपीवीसी पाइप फिटिंग करने के लिए किया जाता है। इससे पाइप या धातु को गर्म किया जाता है। प्लम्बर्स स्नेक, इस टूल्स का नाम प्लम्बर्स स्नेक है। यह लचीला और वर्मा टाइप का होता है। इससे कठिन ग्लास को साफ किया जाता है। हैंड ओगर, इस टूल्स को हैंड ओगर कहा जाता है। इसकी कीमत 500 के भीतर है। यह नुकीला और वर्मा जैसा होता है। इससे नालियों, मल लगे पाइप के ब्लॉकों को खोला जाता है। प्लंजर्स, इसका नाम प्लंजर्स है। इसकी कीमत 100 रुपये के आसपास है। इससे घरेलू शौचालय में इस्तेमाल होने वाली नालियों या पाइपों रुकावट को साफ किया जाता है। बेसिन रिंच, इसको बेसिन रिंच कहा जाता है। इसकी कीमत लगभग 200 के करीब है। वॉश बेसिन लगाते समय उसमें इस्तेमाल होने वाले बोल्ट को इससे टाइट किया जाता है। इंटरनल पाइप रिंच, इसका नाम इंटरनल पाइप रिंच है। इसकी कीमत 200 से 400 के अंदर है। इसका मुख्य कार्य है कि पुरानी जंग लगी फिटिंग या टूटे हुए नल को फिटिंग के अंदर से साफ किया जाता है। जैसे कि थ्रेड को निकालना, थ्रेड अगर फंस जाती है तो इससे आराम से आप निकाल सकते हैं, या टूट जाती है थ्रेड। हैंड ग्लो, इसे तो आप अफकू जानते होंगे, इसे हैंड ग्लोव्स कहा जाता है। इसको काम करते समय हाथ में पहनना बहुत जरूरी होता है, ताकि आपको हाथों में चोट ना लग सके। गूगल्स, इसे गूगल सेफ्टी ग्लास चश्मा भी बोल सकते हैं। इसकी कीमत 150 तक होती है। काम करते समय इसे पहनना अति आवश्यक होता है, ताकि आंखों को दुर्घटना से बचाया जा सके। आज के इस लेख में के माध्यम से आपने प्लम्बर टूल्स नाम की हिंदी में विस्तृत जानकारी जाना। कौन सा टूल्स किस काम में आता है, इसकी पूरी जानकारी प्राप्त की है। थैंक यू। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स।